महानंद दिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। हर दिन हर वक्त भारतवर्ष में राजनीति क्षेत्र में सेक्टर में ऐसे परिवर्तन आ रहा है जैसे मुझे हैरान लग रहा है। वर्तमान परिस्थिति में 2022 और 2024 इलेक्शन को देखते हुए नजर में रखते हुए आरएसएस उनका विचारधारा से भटक गया है और बीजेपी यू टर्न ले रहा है। जो आरएसएस हिंदुत्व का राजनीति करता था, जो बीजेपी हिंदुत्व का राजनीति करता था, अब वो फूट का राजनीति करने के लिए उतावला क्यों है? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को ये समझ में आ गया, उत्तर प्रदेश में हर हाल में जीतना है। इनका एकमात्र लक्ष्य है, विचार को छोड़ो, जो करना है वह सत्ता हासिल करना है। सत्ता के लिए हर कोई थॉट को छोड़ देना है। एमएस बुलगुलकर का थॉट या संघ परिचालक जो भी होना क्यों, जो हिंदुत्व का विचार, उनको थोड़ा पीछे लेकर 2022 इलेक्शन पर सवार होकर यूपी को हासिल करने के लिए आरएसएस और बीजेपी उनका लेबोरेटरी में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, बिफोर 32 ईयर पीछे चले जाएंगे। तो इस आरएसएस और बीजेपी ने कमंडल मंडल का विरोध करके कमंडल का ऊपर सवार थे। एल के अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंडल को खिलाफ करते हुए कमंडल का रथ निकाले थे और उस रथ पर सवार हो गए थे। लेकिन वर्तमान ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा था, जैसे राम मंदिर बनाना, वो खत्म हो चुका है। जैसे आर्टिकल 370 को लगाना हटाना, वो खत्म हो चुका है। अभी बचा सिर्फ उनका नया थिंग्स, ये सिस्टम क्या है? उनका था न्यू कमन सिविल कोड। न्यू कमन सिविल कोड के तहत एंटी रिलीजियस बिल लाना है, मतलब धर्म परिवर्तन जो करेगा उनको पनिशमेंट देने के लिए एक नेशनल बिल लाना है, और दूसरा फैमिली प्लानिंग बिल लाना है, जो अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने इनका असर दिखाई दे रहे हैं। इनका एजेंडा खत्म हो गया, अभी नया एजेंडा नहीं। जो एजेंडा 370 हटाना, राम मंदिर बनाना और कमंडल का ऊपर सवार होना, मंडल को विरोध करना, इतना करते करते बीजेपी आज 2014 से 2022 तक अब शासन का गद्दी पर बैठा है। अभी बीजेपी को ये दिखाई दे रहा है, ये कमंडल का ऊपर चढ़ना, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना इनके लिए खतरा है। ये वोट उन्हें मिलना दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इनका चिंतन मंथन में ये पता चित्रकूट का चिंतन मंथन में आरएसएस एंड बीजेपी वाले ने ये पता कर दिए है क्यों 8 स्टेट इन लोगों ने हारे हैं। 8 स्टेट हारने का कारण क्या है, इन लोगों को पता चल गया है कि लोग आप अंधभक्त नहीं बने हैं, धर्म का राजनीति भारतवर्ष में चलने वाला नहीं है। मंडल को विरोध करके राजनीति आप ये कंटिन्यू कर नहीं सकते, इसीलिए अभी नया पैंतरा चले हैं। पहले क्या हुआ करता था, आरएसएस में सिर्फ चित पावन बामन को ही संघ परिचालक और प्रांतीय प्रचारक नियुक्त किया जाता था। वर्तमान ऐसा नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को पता है, बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी जी का मंत्रिमंडल को विस्तार करना, उस मंत्रिमंडल में 14 से ज्यादा ओबीसी लोगों को स्थान देना, जाति को समीकरण करना, ये पॉलिटिकल बू आ रहा है। 2022 इलेक्शन को नजर में रखते हुए ऐसे परिवर्तन किया जा रहा है। जो संघ हर वक्त हिंदुत्व का नारा देता था, आज वो संघ मंडल का नारा दे रहा है। मतलब
प्रांतीय प्रचारक में आज एससी एसटी ओबीसी लोगों को जगह मिल रहा है, वहां ब्राह्मण कोई भी पदाधिकारी अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। भारत वर्ष में अब गुजरात मॉडल नहीं, अब भारत वर्ष में मंडल का कमंडल छोड़ के मंडल का राजनीति करने के लिए बीजेपी तैयार कर रहे। कारण क्या है? इनको कहते हैं सेल्फिश पॉलिटिक्स। हर सिचुएशन में खुद को परिवर्तन करना है, रंग पर गिरगिट की तरह रंग बदलना है, और सत्ता का भूख को मिटाना है। सत्ता को भूख को मिटाने के लिए बीजेपी और आरएसएस अपना हिंदुत्व एजेंडा छोड़कर, जो मंडल का घोर विरोधी थे, ये मंडल का ऊपर क्यों सवार हो रही है, सोचने की बात है। भारत में रहने वाले हर कोई व्यक्ति को, सिटीजन को, ये सोचने की बात है। जो बीजेपी और आरएसएस मंडल का खिलाफ था, आज वो मंडल का सपक्ष में क्यों है? आज मंडल का ऊपर सवार होके उनका ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे चेंज क्यों कर रहे हैं? गुजरात मॉडल क्यों काम नहीं कर रहे हैं? गुजरात मंडल मॉडल क्या है? गुजरात मतलब क्या है? गुजरात का मतलब है हिंदुत्व को लेबोरेटरी है, हिंदुत्व को बढ़ावा देना है। मोदी जी जब गुजरात चले जाते हैं, वो वहां ओबीसी नहीं होते, जनरल होते हैं, लेकिन नेशन में जब आ जाते हैं तो मंदी मोदी जी ओबीसी बन जाते हैं। आप सबको पता है, हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी बताते हैं सबसे बड़ा ओबीसी लीडर नरेंद्र नाथ मोदी जी है, वो ओबीसी के लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है, मंडल को और मंडल का ऊपर सवार होना, कमंडल को छोड़ देना। तो भारत का लोगों को ये पता चलना चाहिए क्यों जो बीजेपी हिंदुत्व, सबसे बड़ा हिंदुत्व पार्टी खुद को डिक्लेयर करने वाला, आज एससी एसटी ओबीसी को लुभाने के लिए ये काम क्यों कर रहे? ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए काम नहीं था और क्या है? कभी भी आरएसएस एंड बीजेपी, हम लोग सोचे थे आरएसएस और बीजेपी अपना हिंदुत्व के लिए वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुत्व के लिए कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अब ओबीसी, ओबीसी का सपूत मोदी जी को बताया जा रहा है, आज ओबीसी को लेकर इलेक्शन में जीतने के लिए सपना देख रहे हैं। शायद आप सब लोग को पता है, बीजेपी यूपी में हार रहा है। बीजेपी का शासन लोग जान चुके हैं। बीजेपी ये आशा भरोसा कर रहा है यूपी में, यूपी इलेक्शन में मुस्लिम तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये जान चुके हैं। दलित वोट को सेंध लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाट वोट कभी भी बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। ऐसे ब्राह्मण भी बीजेपी का ऊपर नाराज है। यूपी में ब्राह्मण का वोट भी बीजेपी को मिलने से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यूपी का नदी पार होने के लिए, यूपी का बैतरणी पार होने के लिए बीजेपी वाले और आरएसएस को सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, ओबीसी वोट बैंक। यादव वोट बीजेपी को बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, इसीलिए बीजेपी तिलमिलाया गया है और यूपी में उनका हार सुनिश्चित है। ये सब नजर में रखते हुए आरएसएस और बीजेपी अपना यू टर्न ले रहे हैं, और यू टर्न लेके उनका जो पॉलिसी, उनका जो एजेंडा, इनको छोड़कर हिंदुत्व राजनीति को थोड़ा कंट्रोल करके भारत में नया रूप, नया संगठन, नया सोच का साथ लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को फुसलाने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए ये आरएसएस और बीजेपी का नया चाल है। लेकिन भारत का लोग ये जान चुके हैं, भारत का सिटीजन इतना अंधभक्त नहीं है। अंधभक्त का भूत आप सब लोगों का दिमाग से उतर चुका है, क्योंकि देश का इकोनॉमिक कंडीशन बंटाधार हो गया है, देश का जीडीपी माइनस पर चला गया है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर में पूरा इंडस्ट्री ठप हो चुका है। दो या तीन इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़कर भारत का हर कोई इंडस्ट्री बर्बाद हो चुका है। इतना महंगाई आ चुका है, डीजल बेधड़ल बढ़ रहा है, हर दिन पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट बढ़ रहा है, खाने पीने का सामान का रेट ज्यादा बढ़ चुका है, मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है, कोरोना महामारी में लोगों ने कैसे तिल तिल कर मरे ये भी लोग जानते हैं।
गवर्नमेंट जो वादा करता है वो पूरा नहीं कर रहा है। ये वादा खिलाफी गवर्नमेंट है। ये 15 लाख का झूठा दिलासा दे के वोट लिए थे, ये बुलेट ट्रेन लाने के लिए झूठा दिलासा दे के वोट लिए थे, बुलेट ट्रेन ठप हो गया, 15 लाख ठप हो गया। कोरोना योद्धा को उनका सर्विस के लिए, उनका देहांत के लिए, उनको सही दर्जा दे के उनका नौकरी देना, फाइनेंशियल असिस्टेंट करना, ये सब फेल हो चुका है। इसीलिए लोग जानते हैं वर्तमान केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार ये झूठा वादा करता है। वर्तमान राफेल डील में 20 हजार करोड़ रुपया का घोटाला है, ये सब भारत जान चुका है। इसीलिए आरएसएस बीजेपी 2022 इलेक्शन और 2024 इलेक्शन जीतने के लिए ये नया पैंतरा है। आज ये मंडल छोड़कर कमंडल का ऊपर सवार होके देश में फिर राजगद्दी हासिल करने के लिए कोशिश चल रहा है। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।